सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज हम आए हैं महिंद्रा के शोरूम पे, और हम आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे XUV700O खड़ी है। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे XUV700O को, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या यूनिक पॉइंट्स हैं, क्या इसकी एवरेज आती है, एक्चुअल एवरेज क्या आती है, एंड प्राइसिंग भी जानेंगे, इसमें यूनिक फीचर्स जानेंगे और पूरी गाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक्स जरूर क्लिक करिएगा, एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे आप जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महिंद्रा XUV700O में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं, जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर नहीं मिलते। क्योंकि अगर इस प्राइस ब्रैकेट की बात करें, लगभग 28 लाख का इसका टॉप मॉडल है, 28.5 का इसका टॉप मॉडल है। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर और भी गाड़ियां आती हैं, लेकिन जानते हैं इसमें क्या ऐसा यूनिक फीचर है जो कि आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर बेस्ट मिलता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अंदर शोरूम के। सो दोस्तों, मेरे साथ आज हैं मिस्टर खुर्शीद, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे XUV700O के बारे में, जितने भी फीचर्स हैं, USPs हैं, क्या एवरेज इसकी आ रही है, इन सिटी क्या एवरेज आ रही है, ये सब कुछ ये बताएंगे हमें। सो आइए बात करते हैं इनसे एंड जानते हैं इस गाड़ी के बारे में क्या ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी में आ रहे हैं, इस बजट के अंदर और किसी गाड़ी में नहीं मिल रहे हैं। सो आइए बात करते हैं मिस्टर खुर्शीद से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद है और मेरा टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको XUV700O की कुछ यूनिक फीचर्स हैं और इस सेगमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं फर्स्ट इन सेगमेंट, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या इसके USPs हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितनी इस प्राइस रेंज के अंदर आपको क्या बेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं, आइए जानते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको XUV700O के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर इस सेगमेंट में काफ़ी ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जो कि इस सेगमेंट में और किसी कार के अंदर नहीं आता और इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं मिलती आप लोगों को। तो सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज किया है जो कि काफ़ी यूनिक लोगो है और लुक को भी इन्हेंस करता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके नीचे जो है आप देख रहे हैं एक कैमरा दिया हुआ है जो कि फ्रंट पार्किंग कैमरा है, जो कि 360 व्यू के अंदर आता है ये कैमरा, जो कि गाड़ी की सेफ्टी को इन्हेंस करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा ग्रिल जो है इसका दिया हुआ है क्रोम के अंदर, और जो कि लुक को इन्हेंस करता है, फ्रंट लुक को। और साथ ही एयर डैम जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जिससे काफ़ी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है इंजन को भी, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा, ये स्केडिंग प्लेट्स आप जो देख रहे हैं, ये जो है ये सिल्वर एसेंट के अंदर दिया हुआ है, सिल्वर कलर के अंदर, जो कि नीचे से कोई भी चीज़ लगती है तो इंजन को डैमेज नहीं करती, साथ ही साथ जो है लुक को भी इन्हेंस करता है। इसके अलावा गाइस जो है, अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो इसकी जो लाइट्स है काफ़ी यूनिक दी हुई है, जो कि ये DRLs आप देख रहे हैं, जो कि डे टाइम रनिंग लैम्प है LEDs के अंदर, जो कि गाड़ी के लुक को इन्हेंस करता है और रोड प्रेजेंस शो करता है इसकी। ओके गाइस, इसके अंदर जो है आपको हाई बीम असिस्ट भी जो है इसके अंदर मिलता है। अगर 80 की स्पीड में आप चल रहे हैं तो ये लाइट जो है 80 की स्पीड पे जाते ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, तो बेटर विजिबिलिटी आपको मिलती है हाईवेज के ऊपर इन डार्क और नाइट और ऑफ रोड रोड के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा फीचर है इसके अंदर। साथ ही साथ फ्रंट की और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ADAS सिस्टम आपको मिल रहा है, जो कि गाड़ी की सेफ्टी को, आपकी सेफ्टी को काफ़ी इन्हेंस करता है, जिसके अंदर ये रडार दिया हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ पर रडार दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो है मिरर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कैमरा दिया हुआ है, ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट को बिल्कुल, दोनों जो है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना टारगेट करते हैं, जब तक दोनों सेंस नहीं करेंगे प्रॉपर टाइम पे तब तक ये वर्क नहीं करेंगे, बट जब ये दोनों सेंस करेंगे तो वर्क करेंगे, जिसके अंदर ADAS सिस्टम के अंदर आ जाता है अपना ऑटो पायलट मोड आ जाता है, लीन के कीप लेन असिस्ट आ जाता है, इसके अलावा जो है ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन आ जाता है इसमें, ये सारे जो है सेफ्टी के पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी ब्रेकिंग आ जाती है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है इसके अंदर,
तो ये सारे सेफ्टी के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी कार के अंदर नहीं आती। ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं इसका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल काफ़ी लुक को इन्हेंस करता है ये जो आप देख रहे हैं साइड प्रोफाइल। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 18 इंचेस की जो है इसके डायमंड कट अलॉयज दिए हुए हैं, जो कि इसकी लुक जो है काफ़ी अच्छी है और देखने में काफ़ी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी नया महिंद्रा का नया लोगो आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एडवांस ESP दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको ABS मिल जाता है और जो है डिस्क ब्रेक, जो इसके अंदर चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको वाइपरिंग भी मिलती है साथ के साथ, ताकि जो है ब्रेकिंग पावर को इंक्रीज़ करे, काफ़ी अच्छी करती है, जो कि रोड पे जो है ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी रहती है। ये हमारी सेफ्टी पॉइंट को, सेफ्टी को काफ़ी इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर, स्मार्ट डोर हैंडल्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि गाड़ी की लुक को इन्हेंस करता है और साथ ही साथ जो है काफ़ी ईजी वे हो जाता है ओपन और क्लोजिंग के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर तो ORVM जो दिया हुआ है, बॉडी कलर ORVM आपको मिल जाता है, साथ ही साथ इसके ऊपर इंडिकेटर मिल जाता है आपको, साथ ही साथ 360 व्यू कैमरा आपको मिल जाता है ORVM के ऊपर। 360 व्यू कैमरे के अंदर साथ ही साथ जो ये वर्क करता है, ये करता है ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम में भी आता है, ताकि अगर आप लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हैं तो बिल्कुल पूरा व्यू जो है आपको कार के बिल्कुल साइड तक पूरा नज़र आता है इसके अंदर। साथ ही साथ चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, आप ज़्यादातर मैक्सिमम कार्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वो सिर्फ आपको लेफ्ट साइड का मिलता है, बट राइट साइड के अंदर नहीं मिलता है। बट इसके अंदर आपको राइट साइड का भी मिल रहा है और लेफ्ट साइड का भी मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर आप पहली बार आपको ये फीचर मिल रहा है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जो है टेल लैम्प जो आपको मिलता है वो LED के अंदर मिलता है अक्रॉस वेरिएंट। ये जो टेल लैम्प आप देख रहे हैं ये अक्रॉस वेरिएंट आपको LED के अंदर मिल जाता है, साथ ही साथ LED हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है और इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइट भी आपको मिल जाती है, जो कि सेफ्टी को इनहेंस करता है। पीछे से कोई आते हुए किसी को भी वो इंडिकेट करता है, ताकि वो अपनी स्पीड को धीमी करें। इसके अलावा मैं बात करूं तो साथ ही साथ आपको रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है, जिससे कि रियर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, ये भी सेफ्टी को इन्हेंस करता है। आपको डायनेमिक कैमरा आपको मिल जाता है इसके अंदर, जो कि पोजिशनिंग आपको कार की जो रियर की वो शो करता है कि आप किस साइड में कार को टर्न कर रहे हैं, जो कि कार के जो कि सेफ्टी को इन्हेंस करता है। इसके साथ साथ आपने जैसा देखा गाइस कि फ्रंट में हमें सिल्वर कलर में स्कटिंग्स मिल रही है, ऐसे ही सेम एज अ रियर में भी आपको स्कटिंग्स मिल रही है सिल्वर कलर के अंदर, जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है रियर से भी। इसके अलावा साथ ही साथ आपको इनबिल्ट जो है स्पॉयलर मिल जाता है, जो कि गाड़ी की लुक को इन्हेंस करता है। अभी तक सर गाइज हमने जो बात किया है वो एक्सटीरियर के बारे में बात किया है, अब हम इंजन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो इंजन आ रहा है वो आ रहा है, तो अगर आप पेट्रोल के अंदर देखते हैं तो पेट्रोल में 2.0 लीटर का इंजन आ रहा है एम स्टालियन इंजन, एंड अगर हम डीजल की बात करें तो 2.2 लीटर एम हॉक इंजन आ रहा है इसके अंदर। ठीक है सर। और इसकी जो माइलेज आपको मिलेगी वो डीजल के अंदर पेट्रोल के अंदर जो मिलेगी, जो कंपनी क्लेम करती है 13.42 कंपनी क्लेम कर रही है, जो कि आपको सिटी के अंदर जो मिलेगी वो 10 की एवरेज मिलेगी, 9-10 की। और अगर मैं बात करूँ डीजल की तो डीजल में 16 की कंपनी क्लेम कर रही है, तो आपको जो माइलेज मिलेगी सिटी के अंदर वो मिलेगी 13-14 की एवरेज। साथ ही साथ अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो पेट्रोल में आप 11 से 12 की एवरेज निकाल सकते हैं, और डीजल के अंदर जो एवरेज निकाल सकते हैं आप वो निकाल सकते हैं 14 से 15 की एवरेज। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूं, इंजन आप जो देख रहे हैं काफ़ी पैक्ड इंजन है, काफ़ी सेफ्टी के साथ दिया हुआ है। जैसे कि लोग कहते हैं कि बैटरी चोरी हो जाती है, बट जो इसके अंदर बैटरी भी काफ़ी सेफली इसको टाइट किया हुआ है, पूरा ऊपर से जो है एयर ब्लोअर जो है वो दिया हुआ है, जिससे कि है बैटरी किसी को भी चोरी करने से पहले जो है इसका
ये जो एयर एग्जॉस्ट है वो ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही बैटरी निकाल सकता है। तो ये एक काफ़ी सेफ्टी व्यू पॉइंट है अगर थेफ्ट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो। अब दोस्तों मैं अभी तक आपने जो देखा है वो एक्सटीरियर और इंजन के बारे में आपने समझा। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक फीचर दिया हुआ है जो कि एड्रीनॉक्स कनेक्ट फीचर है, जिसके थ्रू आप वर्ल्ड में कहीं पर भी रहेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स के अंदर ये वर्क करता है। कुछ फीचर्स ऑनलाइन वर्क करता है, कुछ ऑफलाइन वर्क करता है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल ओवर वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठे रहेंगे तो भी आप एनी टाइम एवरी टाइम आप जो है कार के साथ कनेक्ट रहेंगे अपनी, ठीक है सर। हर जगह आप ट्रेस कर सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, स्टॉलन फैसिलिटी है वो आप ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पार्किंग ट्रैक कर सकते हैं, आप कार आपकी कहाँ खड़ी है अगर नहीं मिल रही है तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं एड्रीनॉक्स के थ्रू। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया एड्रीनॉक्स के बारे में, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ठग की वजह से कि आज गाड़ी चोरी हो जाती है या कुछ भी इसके अंदर से चोरी हो जाता है सामान, जैसे कि बैटरी हो गई या कुछ हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर काफ़ी सेफली कार है। 28 लाख के अंदर करीब आपको इस कार के अंदर ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आप बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कार चोरी हो जाएगी या कोई इसके अंदर से सामान चोरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एड्रीनॉक्स के थ्रू आप एनी टाइम कनेक्ट रहेंगे अपनी कार के साथ, तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई भी आपकी कार के साथ कोई भी छेड़खानी करता है उस कंडीशन के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अंदर कोई भी कार को हाथ लगाता है, स्टॉलन होती है या कुछ भी होता है, कोई भी छेड़ता है, तो उस कंडीशन में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। या जो भी आपने जियो फेंसिंग की है, उस जियो फेंसिंग से बाहर अगर गाड़ी जाती है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर ड्राइवर स्टैंड मोड पे है, स्टैंड बाय मोड पे अगर खड़ा है, खड़े होकर गाड़ी जो स्टार्ट करके बैठा हुआ है, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस कार, ये जो कार है काफ़ी सेफेस्ट और काफ़ी सेफ्टी आपको ये प्रोवाइड कर रही है इस प्राइस के अंदर। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हैंडल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकली डिप्लॉय स्मार्ट डोर हैंडल्स हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं इसको लॉक करता हूं कार को, मैंने लॉक किया, डोर्स ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल डोर के लेवल में आ गया। हैंडल है ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल डोर के लेवल में आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि कई लोगों के व्यूज़ थे कि ये हैंडल जो है काफ़ी वो लग रहे हैं कि ये टूट जाएगा, कोई बच्चा अगर खींच देगा इसको तो वो टूट जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप कार को ड्राइव करते हैं 15 की स्पीड के बाद डोर लॉक होते हैं ऑटोमेटिक डोर, तो डोर्स स्मार्ट डोर हैंडल जो है ऑटोमेटिकली वो डोर के बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं अनलॉक करता हूँ ये डोर के स्मार्ट डोर हैंडल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ सर इंटीरियर की, तो सबसे पहले इसके अंदर वेलकम रिट्रैक्ट आपको जो है सीट मिल रही है, जो कि बैठने के लिए आपको पूरा स्पेस देती है। ऑटोमेटिकली जो सीट है पीछे जाती है, देन जैसे कार को मैं लॉक करूँगा, मैं इसके अंदर बैठता हूँ, इसने मेरे को पूरा स्पेस दिया है बैठने के लिए। अब दोस्तों जैसे मैंने डोर को लॉक किया है, जैसे मैंने डोर को लॉक किया, ये सीट जो है ऑटोमेटिकली जिस पोजीशन पे थी ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर 6 वे जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो है सीट्स हैं। अगर मुझे सीट को स्लाइड करना है तो मैं इसको आगे स्लाइड करूँगा तो ये सीट जो है आगे की तरफ स्लाइड होगी। अगर मैं इसको अप करूँगा तो सीट जो है हाइट एडजस्ट होगी इसमें। अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो ये सीट रिक्लाइनिंग होगी, जैसे भी आप करना चाहें इसको एडजस्ट। इसके अलावा साथ ही साथ आप मेमोरी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में अगर तीन लोग हैं, तीनों लोग अलग अलग पोजीशन पे अगर सिटिंग हैं उनकी, तो यहाँ से आप मेमोरी सेट कर सकते हैं। पहले अगर जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप एक नंबर को प्रेस करके, एम प्रेस करके एक नंबर को प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो है मेमोरी उसी पर सेट हो जाएगी जिस पोजीशन पर आप ड्राइव करते हैं। लेकिन सेकेंड पर्सन जो है वो भी अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्राइविंग पे आए तो आपने क्या किया, एक नंबर दबाया, आपकी पोजीशन पे सीट एडजस्ट हो जाएगी। दूसरे पर्सन अगर आते हैं, दूसरे मेंबर अगर आते हैं घर के, अगर वो ड्राइव करते हैं,
उन्होंने अगर सेकंड पे अपना मेमोरी सेट किया हुआ है तो सेकंड दो नंबर अगर प्रेस करेंगे तो उनकी सीट जो है उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी जिसपे उन्होंने अपनी पोजीशन सेट की है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसा कि मैंने ADS सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ADS सिस्टम वर्क करता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। तो क्रूज कंट्रोल जो है हमको सबसे पहले ऑन करना होगा यहाँ से, ये अभी तो मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगा, ये ऑन ड्राइविंग आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं तभी आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले पाएंगे। वैसे मैं आपको दे देता हूँ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को मैं ऑन करता हूँ तो स्टैंड बाई मोड के अंदर ये ऑन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये आ गया एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफ है अभी, अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये स्टैंड बाई मोड पे आ जाएगा। इसके अलावा जैसे ही ये 30 की स्पीड से ऊपर जाएगा तो आप जो है प्रेस इस बटन को अगर प्रेस करते हैं तो क्रूज कंट्रोल जो है एक्टिव हो जाएगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। उसके बाद जो है इसके अंदर ऑटो पायलट मोड वर्क करेगा, देन जो है रोल ओवर मिटिगेशन वर्क करेगा इसके अंदर, इसके अलावा जो है ऑटो ब्रेकिंग इसके अंदर जो है वर्क करेगा, ट्रैफिक रिकॉग्निशन वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क करेगा इस पोजीशन में। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर कुछ जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है इसमें, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ जो है, यहाँ से आप व्हीकल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसा कि टायर प्रेशर हो गया, टायर प्रेशर आप इसके अंदर देख रहे हैं, साथ ही साथ जो है इसके अंदर इंजन देख रहे हैं आप और सेटिंग्स आप देख रहे हैं, तो ये दो चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ड्राइवर इंफॉर्मेशन के अलावा नेविगेशन, अगर सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि बहुत ही कन्वीनियंस और बहुत ही कम्फर्ट जो है आपको फील देता है ड्राइविंग के टाइम पे, कि नेविगेशन मैं सिस्टम के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैं अगर जाता हूँ, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर मैं नेविगेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यह नेविगेशन है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मैं इसके ऊपर दूसरा वर्क करना चाहूँ तो यहाँ मैं दूसरा वर्क कर सकता हूँ, नेविगेशन मेरी जो है ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आ जाएगी। अगर मैं नेविगेशन पे जाके इसको क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये एज इट इज़ नेविगेशन जो है मेरा इस स्क्रीन पे आ जाएगा, और इसको डबल प्रेस करता हूँ तो ये नेविगेशन जो है ये है कि मेरे लिए बहुत ही इजी वे हो जाएगा कि मुझे बार बार उस साइड को नहीं देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल मेरे सामने जो है ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है इसमें आ जाती है। तो मैं यहाँ से बाकी अगर मैं दूसरा वर्क यहाँ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे म्यूज़िक प्ले करना है या कॉल करना है किसी को तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या मुझे यहाँ से AC का जो है मुझे टेम्परेचर सेट करना है या पोजिशनिंग सेट करनी है इसकी, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलता है ड्यूल जोन AC मिलता है, ड्यूल जोन AC के अंदर अगर मैं टेम्परेचर ड्राइवर साइड जो है डिफरेंट सेट कर सकता हूँ और को ड्राइवर साइड जो है डिफरेंट सेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट एयर फिल्टर जो है वो आपको इनबिल्ट मिलता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी ही आज की डेट में जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूशंस हैं उसको काफ़ी ही क्लीन करके एयर जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि हम बेटर ऑक्सीजन ले सकें जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी बेटर है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम जो आप देख रहे हैं 10.25 इंचेस के ड्यूल स्क्रीन जो है इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अंदर जो है आप कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, जो कि अगर कोई भी कॉलिजन होता है उस कंडीशन के अंदर जो है वो वीडियो जो है आप सेफली किसी भी प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं, किसी भी क्लेम में या कुछ भी आपको लेना हो तो उसमें जो है ये वीडियो यूज़ हो सकती है। अगर आप राइडिंग के पर्पज़ से अगर आप ये देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्डिंग। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ऐड फोल्डर आप फोटो भी खींच सकते हैं फ्रंट की, रियर की, साइड्स की 360 व्यू कैमरे के थ्रू। साथ ही साथ जो है इसके अंदर एप्लीकेशन जो है, अगर कार इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं,
कार इंफॉर्मेशन के अंदर जैसे कि मैं अगर बताऊँ आपको, व्हीकल नेम, कलर, प्राइमरी यूज़र और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर रख सकते हैं, आप गाड़ी की POC हो गई, इंश्योरेंस हो गया अपना, आप लाइसेंस इसके अंदर रख सकते हैं और RC बुक इसके अंदर आप रख सकते हैं, जो कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हार्ड कॉपी आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, जो कि आप अपने 10.25 का जो सिस्टम है इसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कनेक्टेड एप्लीकेशन है जिसको, जो कि मैंने आपको एड्रेनॉक्स बताया है, वो कनेक्टेड एप्लीकेशन है। इसके थ्रू जो है आप जो है ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आप बैठे रहें, एवरी टाइम आप अपनी कार के साथ कनेक्ट रहेंगे। साथ ही साथ आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, जो कि जैसे कि कार इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको दिखाया, दैट इज़ सेम कि यहाँ आप कुछ भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गैलरी है, अगर आप कोई भी फ़ोटो अगर इसके अंदर खींचते हैं तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। माई ड्राइव फ़ोटो, माई ड्राइव वीडियो, जो आप वीडियो कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। USB के थ्रू जो फ़ोटोज़ आप फ़ोन के अंदर रखते हैं या USB में रखते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। USB के थ्रू आप वीडियोज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो काफ़ी इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट पे और इस प्राइस के अंदर और किसी कार के अंदर नहीं मिलती है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे हॉरोस्कोप भी देखने को मिल जाता है, आप अपना हॉरोस्कोप भी देख सकते हैं, दिनचर्या आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है जस्ट डायल का भी फीचर एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा माई ड्राइव मैनेजर आप यहां से देख सकते हैं कि आपने अपनी कार को किस तरीके से ड्राइव किया है, कितना एक्सेलरेशन किया है, कितनी ब्रेकिंग की है, कितना फ्यूल कंजप्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे न्यूज़ अपडेट्स आपको यहां से मिलते रहेंगे, साथ ही साथ ये भी एप्लीकेशन आपको दी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑनर मैनुअल भी इसके अंदर जो है इनबिल्ट आपको दिया हुआ है, जो कि यहां से अगर कार के किसी भी फीचर्स के अंदर अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप यहां से जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑन ड्राइविंग आप जो है कंटिन्यूसली जो सराउंडिंग व्यू कैमरा जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि आपको इस स्क्रीन पे मिल जाती है। ये जो है कंप्लीट जो है ये सैटेलाइट व्यू आपको मिल रहा है। इसके अलावा जिस भी साइड्स का, ये हम जैसे कि रियर का देख रहे हैं, रियर के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप ये रियर का देख रहे हैं, अगर मुझे साइड का देखना है तो साइड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल ही प्रॉपर साइड का जो दिखा रहा है फेंडर के साथ, कि इसके साथ क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। इसके अलावा अगर इसको आप पूरा देखना चाहें इस तरीके से, तो इस तरीके से और दूर तक देख सकते हैं, बड़ा करके जूम करके इसको। इसके अलावा अगर मुझे राइट साइड का देखना है तो राइट में क्लिक करूँगा तो राइट का जो है मुझे पूरा व्यू दिख रहा है। इसके अलावा फ्रंट का अगर आप देखना चाहें तो फ्रंट भी आप देख सकते हैं। कंटिन्यूसली भी आप इसको चालू रख सकते हैं ऑन ड्राइविंग, ड्राइविंग के थ्रू अगर आप चाहें कि मेरे को जो है रियर का कंप्लीट मुझे दिखना चाहिए तो वो भी आप कंटिन्यूसली इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि सेफ्टी को इन्हेंस करता है। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो इसके अंदर जो आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर नहीं आता और इस प्राइस के अंदर आपको नहीं मिलता है और किसी कार के अंदर। इसके अलावा साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इनबिल्ट जो है अलेक्सा आपको मिल रहा है, जिसके थ्रू आप जो है AC ऑन कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, स्काई रूफ ओपन कर सकते हैं, जो कि इस सेगमेंट का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा स्काई रूफ है, जो कि थर्ड पिलर तक ओपन होता है। इसके अंदर अगर मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्काई रूफ जो है ओपन हो रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा है अपने सेगमेंट के अंदर, जो कि काफ़ी पीछे तक सी पिलर तक बिल्कुल जाता है, ओपन होता है, जो कि थर्ड रो में भी बैठे हुए लोग जो है काफ़ी इसका जो है एंजॉय ले सकते हैं। तो ये व्यू मिलता है आपको। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये आपको यहाँ पर जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के साथ साथ यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है आपको, जिसके साथ इसमें जो है ये अगर मैं बात करूं तो
एसी का ब्लोअर आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिससे कि कोई भी आप जो है इसके अंदर आइटम रखते हैं, जैसे कि आपने फ्रूट रख दिया या फिर आपने पेप्सी रख दी या वाटर बॉटल रख दी छोटी, तो उस कंडीशन में क्या है उसकी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करके रखेगा, नॉट अ चिलर, इसको चिल नहीं करेगा बट जो है उसकी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा और किसी भी आइटम को ख़राब नहीं होने देगा। इसके साथ ही साथ हमें एक यहाँ पे की होल्डर मिल जाता है, जो कि आप इसी के अंदर जो है की, जैसे कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं मेरी जेब में रह गया या गाड़ी में छूट गया, तो ये चीज़ हमें याद रहेगा, इसके अंदर आप की अपना होल्ड कर सकते हैं, इसमें रख करके इसको लॉक कर दीजिए, तो की आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि मेरी की जो है यहाँ पर प्लेस्ड है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर मैं फ्रंट में अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको जो है पियानो फिनिश के अंदर जो है इसका प्रॉपर जो है कंसोल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाता है, साथ ही साथ ऑटो होल्ड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है ऑटो होल्ड का, जैसे कि अगर रेड लाइट पे है और ड्राइव मोड पे है तो हमने ब्रेक को छोड़ा तो कार जो है ऑटोमेटिकली क्रीप फंक्शन के थ्रू आगे नहीं जाएगी, ऑटो होल्ड हो जाएगी और जैसे आप हल्का सा एक्सलरेट करेंगे ऑटो होल्ड डिसंगेज हो जाएगा और कार फिर से रनिंग मोमेंट में आ जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो है इंटेलिनेट कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाता है यहाँ पर, जिससे कि आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, होम पे आप जा सकते हैं, इसके अलावा अपना फेवरेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल पिक एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं यहाँ से, जो कि ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप एसी के बारे में अगर बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ड्यूल जोन एसी और इसके अलावा स्मार्ट एयर फिल्टर आपको मिल जाता है, तो साथ ही साथ यहीं से आप जो है ब्लोअर को आप सिस्टम से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ स्विचेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लोअर को कम तेज कर सकते हैं, मैक्सिमम एसी कर सकते हैं, मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिफोगर्स हो गए दोनों फ्रंट एंड रियर का यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, ऑटो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो है एयर, अगर मुझे कंटिन्यूसली एयर जो है केबिन की अगर मुझे सराउंड करानी है तो इस पॉइंट को मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं जो है सिस्टम के थ्रू भी मैं इसको देख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो जो है बाहर की एयर भी जो है फ्रेश एयर आपको मिलेगी साथ ही साथ। इसके अलावा रियर एसी का भी ऑप्शन है, अगर रियर एसी अगर आप बंद करना चाहें तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सेफ्टी काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम्फर्ट जो है आपको देता है, ताकि एक तो फ्यूल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है और जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही एयर आपको मिलेगी। इसके अंदर सर अगर मैं बात करना चाहूँगा, इसके अंदर जो आपको गियर मिल रहा है ये मिल रहा है, जो ट्रांसमिशन मिल रहे हैं वो 6 मिल रहे हैं ट्रांसमिशन, तो ये आप चाहें मैनुअल में देखें या फिर चाहें देखें ऑटोमेटिक के अंदर। इसके अंदर जो आपको ट्रांसमिशन मिल रहा है वो मिल रहा है 80 ट्रांसमिशन मिल रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको पार्किंग मोड मिल जाता है, जब तक पार्किंग मोड से आप नहीं करेंगे तब तक इंजन ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा रिवर्स आपको मिल जाता है, फिर इसके अंदर ही आप साथ ही साथ जो है ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल का भी मज़ा आप ले सकते हैं, तो मैनुअल भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, मैनुअल की तरह गियर इसको चेंज नहीं करना है, ओनली हमें जो है प्लस और माइनस का जो है वो ध्यान रखना है बस। और ऑटोमेटिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो सर सबसे पहले तो जो कि ट्रैफिक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसके अंदर काफ़ी कंफर्ट ड्राइविंग है, काफ़ी फोर्सलेस ड्राइविंग है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर जो बहुत इजी आप जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो जिसके अंदर इंजन ऑफ नहीं होता है तो उस चीज़ की प्रॉब्लम जो है हमें और बार बार गियर चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइज और मैं अगर मैं बताना चाहूँगा फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको USB चार्जर आपको मिल रहा है, USB पॉइंट मिल रहा है जिससे आप अपनी फ़ोन को जो है चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है USB दो कनेक्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है इसके अंदर, 1.7 लग्जरी के अंदर, और साथ ही साथ मोबाइल होल्ड करने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है जिससे कि हमें कोई भी इरिटेशन ना हो, तो यहाँ पर आप मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो को ड्राइवर सीट के अंदर अर्गो लीवर दिया हुआ है,
जो कि पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को अगर आगे कोई भी बैठा हो बहुत इजीली उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है सीट को आगे पीछे कर सकते हैं इस अर्गो लीवर की मदद से। तो ये काफ़ी कंफर्ट जो है आपको देता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो रियर के अंदर आप हमको जो है एसी वेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इसके साथ साथ सी पॉइंट के अंदर चार्जर मिल जाता है, सी टाइप चार्जर पॉइंट आप मिल जाता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लेदर अपहोल्स्ट्री आपको साइड में मिलेगी, डोर्स ट्रिम जो है लेदर अपहोल्स्ट्री काफ़ी सॉफ्ट जो है, डैशबोर्ड के अंदर भी जो है काफ़ी सॉफ्ट अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अगर सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर जो आपको मिलता है 3D सराउंडिंग साउंड्स बाय सोनी आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको 12 स्पीकर मिलते हैं और साथ ही साथ सब वूफर भी आपको मिलता है, जिससे कि साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी अच्छा दिया है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर सोनी का जो 3D सराउंडिंग साउंड है आपको किसी भी कार के अंदर नहीं मिलता है विद 12 स्पीकर के साथ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर जो है ये आप गूगल्स इसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जो है आप इस कंसोल के अंदर देख रहे हैं ये जो है ब्लूटूथ का माइक आपको इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ जो है एम्बिएंट लाइट्स आपको मिल जाती हैं ये प्रॉपर, जो कि गाड़ी के इंटीरियर को काफ़ी इन्हांस करता है लुक को। इसके अलावा जो है जो आप केबिन लाइट्स देख रहे हैं ये जो है LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं दोनों। इसके अलावा साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो सनवाइज़र आपको मिलता है इसके अंदर को ड्राइवर सीट के अंदर, ये मिलता है एल्यूमिनेशन के साथ, जो कि इस सेगमेंट में और किसी कार के अंदर नहीं मिलता आपको, फर्स्ट इन सेगमेंट आपको ये फीचर मिल रहा है। तो दोस्तों गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड के अंदर आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि सीट्स के बारे में। तो सीट्स जो हैं इसके अंदर आपको लेदराइट सीट्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर जो है ऑलरेडी बेज कलर के सीट्स आपको मिल रही हैं लेदराइट सीट, जो कि काफ़ी लुक को इन्हेंस करती है, काफ़ी लग्जरी फील देती है। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेयरिंग के बारे में, एक तो आपको इसके अंदर ये जो है लेदराइट स्टेयरिंग मिल जाता है, साथ ही साथ जो है आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली जो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो है स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, जो कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग चाहिए तो आपको ये टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग मिल जाता है, साथ ही साथ टिल्ट स्टेयरिंग मिल जाता है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस पोजिशन पर रखना चाहें, तो ड्राइविंग कम्फर्ट जो है और भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो गाइस इसके अंदर हमने लगभग सारी बात कर ली है, और अगर मैं सेफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा, अगर सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन की ESP आपको मिल रही है। इसके अलावा साथ ही साथ जो है आपको 7 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट ड्राइवर को ड्राइवर साइड नी एयरबैग मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर और इस प्राइस के अंदर आपको किसी भी कार के अंदर 7 एयरबैग्स नहीं मिलते। 6 एयरबैग हर कार के अंदर लगभग मिल जाते हैं, बट जो है 7 एयरबैग्स आपको नहीं मिलते। इसके अंदर जो है नी सेफ्टी भी दी हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा काफ़ी सेफेस्ट कार है, और इस प्राइस के अंदर इस फीचर्स के साथ इस सेगमेंट में और कोई कार नहीं है। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी फीचर्स उन्होंने बताए हैं उस हिसाब से आपको शोरूम पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने फीचर्स उन्होंने बता दिए हैं, लगभग बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सो सारे जो फीचर्स हैं एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई फीचर आपको मिसिंग लगता है कि आपको नहीं पता चला, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इनका नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एंड जो भी क्वेरीज आपको करनी हो वो आप कर सकते हैं। एंड शोरूम का एक बार नाम बता दीजिए प्लीज़, और लोकेशन बता दीजिए। गाइज जो हमारा शोरूम है वो सुमन साई महिंद्रा के नाम से है, और इसकी लोकेशन जो है वो राजापुरी अपोजिट द्वारका सेक्टर 3। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, जितना हो सका उतना हमने बता दिया इस गाड़ी के बारे में। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फीचर मिसिंग हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस शोरूम का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जो कॉन्टैक्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय गाइस।